आए दिल ही तो है। शुक्रिया, आज दो दिन बाद तुम्हारी शक्ल तो नजर आई। अगर ना आती तो तुम फोन कर करके मेरा दिमाग खा जाते। अबीरा, मैं इसका मतलब है कि नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई है। चलो फिर बता दो कि क्या करना होगा मुझे कि तुम्हारी नाराजगी दूर कर दो। तुम अब कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी फिजिकल कंडीशन तुम्हें अलाउ ही नहीं करती। ठीक कह रही हो तुम, मेरी फिजिकल कंडीशन ने मुझे कुछ ज्यादा ही लिमिटेड कर दिया। वही नो, अब ना तो मुझे बनाने के लिए डिनर पे लेके जा सकते हो, ना लॉन्ग ड्राइव पे, ना आइसक्रीम खिलाने, नथिंग। बस अब इस घर में मेरी मिन्नतें कर सकते हो, मुझे मना सकते हो। चलो वाह, फिर जो मुमकिन है वही कर लेता। मनाना तो है ना तुम्हें। प्लीज डोंट डू दैट, you know I don't like it. आजकल तुम नजर नहीं आते, सबीरा से मिलने घर भी नहीं आती देर से। कुछ झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं, ऐसी बात नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था। बिजी? मैंने तो सुना था कि तुम स्पेशली पाकिस्तान सबीना के लिए आए हो, तो ऐसी कौन सी मसरूफियत है? अब एनीवेज, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। मैंने तुमसे किसी और बारे में बात करनी थी। आई नीड योर फेवर। कैसा फेवर? तुम तो जानते हो आजकल मोहित की हालत कैसी है। उसकी डिसेबिलिटी अपनी जगह, लेकिन वो आजकल बहुत डिप्रेस रहने लगा है। हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तुम सबरीना को रोक सको। पहले वो मोहित की केयर कर रही थी, इसलिए 30-30 घंटे उसके साथ रहे, और मुझे कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि वो सब कुछ इस गिल्ट में कर रही है कि आज मोहित उसकी वजह से साथ में। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मोहित मुझसे बहुत दूर होता जा रहा है, और सबरीना के क्लोज, पहले भी क्लोज था बिकॉज इसलिए मुझसे झगड़ता था, लेकिन आजकल वो मुझे जिस तरीके से निगलेक्ट कर रहा है मैंने कभी नहीं देखा। एंड आई एम श्योर के सबीना तुमसे शादी के लिए मना भी इसलिए कर रहे क्योंकि वो मुझ पर दोस्त है। इतना हैरान हो के क्या देख रहे हो? तुम भी तो देख चुके हो दोनों के इकट्ठे। तुमने नहीं सोचा कि इतनी रात को मोहित के कमरे में सबीना किस रिश्ते से बैठी थी? आप अपनी मम्मी से बात क्यों नहीं करते? मोहित के पेरेंट्स और आपकी मदद से सबीना को रोक सकते हैं। रोक सकती हैं, रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं सारे, मगर वो रुक नहीं रही है। आई एम सॉरी, मेरी ये सारी बातें तो मैं बहुत दुख रख रही हूँ कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं। ऑब्वियसली आपका पार्टनर चीट करे तो आपको बुरा लगता है, लेकिन मोहित मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं तुम्हारे पास ये रिक्वेस्ट लेके आई हूँ कि प्लीज़ सबीना को मनाओ किसी तरीके से, वो तुमसे शादी कर दे, मोहित से दूर हो जाए, अकेला छोड़ दे हमें। ठीक है। अच्छा सुनो, इट्स बिन अ वाइल, मैंने अपने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं किया, तो तुम्हारे फोन में मेरी काफी पिक्चर्स हैं, उनमें से कुछ सेंड कर दो। अच्छा मैं देखता हूँ, कौन सी पिक्चर्स? कोई भी, रिसेंटली कोई भी कैप्चर किया तो। चलो लेट मी सी, आई थिंक आई हैव सम। हाँ कुछ है मेरे पास।
वेट, लेट मी सेंड यू. देखो मिली है तुम्हें. ओह माय गॉड समद, तुम्हें आज तक पिक्चर्स ही नहीं लेनी आई. क्या हुआ? देखो तो सही, कोई भी ठीक नहीं है. बिल्कुल तो ठीक है, इसमें क्या बुराई है? सरमद ये ब्लर है, कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ब्लर पिक्चर को कह रहे हो कि बिल्कुल ठीक है? इंजीनियर हूँ, फोटोग्राफर नहीं. अच्छा ये वाली देखो, इसका फोकस कहाँ है? आई थिंक दिस इज परफेक्टली फाइन, आई एम टेलिंग यू. और ये भी बिल्कुल ठीक है. पिक्चर्स कहाँ से आई तुम्हारे फोन में? वो जो पूछा उसका जवाब दो, कहाँ से आई पिक्चर्स तुम्हारे फोन में? अबीरा ने भेजी थी मुझे. बीरा ने? लेकिन क्यों, क्या मकसद था उसका इसके पीछे तुम्हें पिक्चर भेजने का? वो चाहती थी कि ये पिक्चर्स मैं तुम्हें दिखाऊं. काफी डिस्टर्ब थी वो, कह रही थी कि मोहित और सबरीना में आजकल बहुत ज्यादा क्लोजनेस हो गई है और उनका कुछ चल रहा. तुमने खुद क्यों नहीं दिखाई? जब अबीरा ने तुमसे ये पिक्चर्स इसलिए शेयर की थी ताकि तुम मुझसे शेयर करो, तो क्यों तुमने ये मुझसे छुपाई? बताओ मुझे. Because I don't want to hurt you, सरमद. तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ, तुम्हें नहीं देख सकती तकलीफ में. मैं जानती हूँ तुम सबरीना से मोहब्बत करते हो, तुम्हें दुख होगा इसलिए. मैंने अबीरा को कह दिया था कि मुझे किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना, जो करना है खुद करो. And if she's really not interested in you, तो उसे तुम्हें कह देना चाहिए था ना. धोखा देना गलत बात है. एक तरफ अपने कजन फियांसे के साथ अफेयर और दूसरी तरफ अपने फियांसे को धोखा देना, इट्स एक्चुअली वेरी शेमफुल. ये क्या तरीका है हाँ? मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो आप? जबरदस्ती? जबरदस्ती है तुम्हारी जिंदगी में? हाँ तुम्हें तो ये लगता है. ऐसा नहीं है सरमद. तुमने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से मुझसे मंगनी की थी ना? ऐसा ही है. तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो? क्या किया है मैंने? धोखा दिया तुमने मुझे. धोखा? आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? तो मोहित की वजह से मुझे छोड़ रही हो? ये किसने कह दिया आपसे? चलो बेटी हम फौरन शादी करते हैं. सरमद क्या हो गया, अब आप इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? सबरीना तुम उससे फौरन शादी करोगी? हाँ या ना में जवाब दो. मैं नहीं देगी ये जवाब तुम्हें, क्योंकि इसकी नियत ही नहीं है तुमसे शादी करने की. धोखा दे रही है ये तुम्हें. अभी आप क्या कह रही हैं? मत कहो मुझे अभी. नहीं हो तुम मेरी बहन और नहीं हो सकती हो. डायन हो जिसने मेरी मोहब्बत पर डाका डाले, समझी? मैंने तो हाँ तुमने. मैं कब से बर्दाश्त कर रही हूँ, देख रही हूँ, जल रही हूँ, कोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मोहित ठीक हो जाए. लेकिन तुम दिन ब दिन उसे मेरे खिलाफ करती रही, मुझसे दूर करती रही. तुम्हारी वजह से वो मुझे धुतकारता था सबरीना, और आज तुम्हारी वजह से वो मुझे छोड़ रहा है. ये झूठ है. यही सच है. मैं अपने कानों से सुन के आ रही हूँ, ताई अम्मी और ताई अब्बू को मोहित ने कहा है कि वो मुझे छोड़ने का फैसला कर चुका है. वो मुझसे मंगनी तोड़ा है तुम्हारी वजह से सबरीना. इसकी वजह से सरमद, देखा आपने? सरमद ऐसा कुछ नहीं है. सरमद आप ही को कोई गलत फहमी है, मेरी बात सुनो. सरमद ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सरमद मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है. सरमद
सरमत प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मेरी बातें यकीन करो, सच में ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज मेरी बात का यकीन करो मम्मी, आप प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप ही को गलत फहमी।